नमस्कार साथियों एन के कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की हम बातचीत कर रहे हैं और प्रैक्टिकल मैनुअल टू खासतौर से मातृत्व एवं बाल से सु देखभाल इस पर हम प्रैक्टिकल्स की चर्चा कर रहे हैं जिसमें आज का हमारा विशेष टॉपिक है प्रसव के पश्चात महिला की देखभाल ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रसव से पहले यानी प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात ये दोनों ही जो देखभाल है केयर हैं बहुत मायने रखती हैं और इनका ध्यान खास तौर से जो परिवारजन हैं उनको साथ में जो स्वास्थ्य से संबंधित चाहे वो जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं चाहे वो डॉक्टर्स हैं चिकित्सक हैं उन सभी को विशेष रूप से रखना चाहिए आ, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ज्योत्सना आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से मैं उनका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं नमस्कार मैम आज डॉक्टर ज्योत्सना आपको इस टॉपिक पर विशेष रूप से आपको जानकारी देंगी और प्रैक्टिकली किस तरह से हमें ये सारी चीज़ें हैं। हैंडल करनी चाहिए ये जानकारी आपको प्राप्त होगी आज हम बात करते हैं प्रसव पश्चात देखभाल के बारे में प्रसव के पश्चात से लेकर के जो पहले के छः सप्ताह होते हैं या जो पहले के पैंतालीस दिन हैं उस दौरान जो है सूतिका की देखभाल बहुत ज़्यादा महत्व रखती है इस पीरियड को ही हम प्रसव पश्चात अवधि कहते हैं और इसमें से भी जो प्रथम 48 घंटे हैं और उसके पश्चात का जो पहला सप्ताह है उस दौरान सूतिका की प्रसूता की जो देखभाल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो उसके बारे में बात करते हैं कि प्रसव के पश्चात इस दौरान हमें सूतिका और शिशु दोनों के जो है स्वास्थ्य का परीक्षण इसके अलावा उत्पन्न होने वाले जोखिम और जटिलताओं का परीक्षा करके उनकी उचित चिकित्सा व्यवस्था करना इसके अलावा माता और शिशु के खान पान की व्यवस्था करना और उनको परिवार नियोजन संबंधी निर्देश देना स्तनपान का महत्व बताना तो ये सब जो देखभाल का कार्यक्रम है वो प्रसव के पश्चात देखभाल में आता है और ये बहुत महत्व रखता है शिशु और माता दोनों के स्वास्थ्य के लिए अब पाता है कि प्रसव पश्चात देखभाल का क्या महत्व है ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये देखा गया है कि विश्व में जो औसतन माता की मृत्यु दर है उसमें से भी जो दो तिहाई जो मृत्यु होती है वो प्रसव के पश्चात होती है और प्रसव के पश्चात अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से या संक्रमण के कारण क्योंकि उस दौरान जो है वो माता की संपूर्ण देखभाल नहीं की जाती है जिसके कारण ये होता है इसलिए प्रसव के पश्चात माता की देखभाल जो है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखती है महिला के सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इसके अलावा संक्रमण से बचाव के लिए माता को और शिशु को द, माता को अपने और शिशु दोनों के जो है वो कैसे स्वच्छता व्यक्तिगत स्वच्छता कैसे रखनी है वो सब बताना और संक्रमण से बचाव करना इसके अलावा स्तनपान के बारे में बताना स्तनपान को स्थापित करना क्योंकि स्तनपान जो है वो शिशु के लिए जीवन माना गया है और प्रथम छः सप्ताह तक स्तनपान करवाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इससे जो है माता को भी गर्भाशय के प्रत्यावर्तन में सहायता मिलती है क्योंकि गर्भावस्था के नौ माह के दौरान जितने भी शरीर में परिवर्तन होते हैं वो प्रसव के पश्चात छः सप्ताह के अंदर वो सारे जो हैं वो अपने पूर्व की अवस्था में वापस आ जाते हैं और इसके साथ ही साथ स्तनपान कराने से शिशु का भी शारीरिक विकास अच्छा होता है और उसको संक्रमण से भी बचाता है इसके अलावा जो है प्रसव पश्चात देखभाल से हम माता और शिशु के भावनात्मक संबंध जो है वो भी स्थापित करते हैं जो उसके शारीरिक और मानसिक विकास में सहायता करता है जो इसकी अवधि मानी गई है कि प्रसव के पश्चात कितने दिनों तक महिला की देखभाल करनी चाहिए तो वो छः सप्ताह या पैंतालीस दिन तक मानी गई है अब आती है बात कि सूतिका काल में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने योग्य कौन कौन सी बातें हैं तो उनमें सबसे पहले आता है स्तनों की देखभाल योनिगत स्त्राव की परीक्षण व्यक्तिगत स्वच्छता का निर्देश आहार विहार की व्यवस्था योग व्यायाम और विश्राम की व्यवस्था यौन संबंधी निर्देश और परिवार नियोजन संबंधी जानकारी सबसे पहले हम बात करते हैं स्तनों की देखभाल के बारे में तो सूतिका काल में जो है प्रसूता को उसके स्तनों की देखभाल के बारे में बताना चाहिए कि यदि अतिपूर्णता लग रही है या चुच्चुक में शोथ लग रहा है या अवरुद्ध नलिका या दरकदार चुपचुक हैं तो उस स्थिति में वो तुरंत जो है वो चिकित्सक से परामर्श ले यदि अतिपूर्णता या अवरुद्ध नलिका की स्थिति है तो उसमें स्त्री को बार बार जो है वो स्तनों का दोहन करने के लिए जो है उसको बताएँ कि बार बार जो है वो या तो हाथ के द्वारा या फिर जो है ब्रेस्ट पम्प की सहायता से जो भी दूध एकत्रित हो रहा है स्तनों में उसको बाहर निकाल दें इसके अलावा यदि दरकदार चुचुक है हैं क्रैक हो गए हैं निपल में तो उसकी रोकथाम के लिए उसे बताना चाहिए कि हर दो घंटे में जो है उसको बच्चे को दूध जो है वो पिलाना चाहिए और उसकी करेक्ट अटैचमेंट जो है वो होनी चाहिए जो बच्चे का सिर है पीठ है वो एक ही लाइन में रहना चाहिए और उसका जो माउथ है वो उसके पूरे जो निपल के चारों ओर का काला भाग होता है जिसे हम एरियोला कहते हैं वो उसको पूरा कवर करना चाहिए जिससे कि दरकदार चुचुक होने की संभावना कम होती है इसके अलावा यदि जो है वो निप्पल रिट्रैक्टेड है अंदर की ओर धंसा हुआ है तो उस स्थिति में जो है महिला को सिरिंज के द्वारा या फिर मालिश के द्वारा निप्पल का उभार लाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि जो है वो शिशु उसको अच्छे से ग्रहण कर सके इसके अलावा जो है स्तनों की स्वच्छता के बारे में बताना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्तनों का संक्रमण होने के भी इसमें बहुत ज़्यादा खतरा रहता है इसलिए प्रत्येक बार स्तनपान से पहले भी और बाद में भी वो साबुन से और गुनगुने पानी से जो है वो स्तनों को साफ़ करे और उसके बाद दूध पिलाने के बाद भी उसको गुनगुने पानी से साफ करे और फिर उसके बाद सूखा रखे फिर इसके बाद आती है योनिगत स्राव का परीक्षण प्रसव के पश्चात 10 से 15 दिन तक जो है वो योनि से स्राव होता रहता है जिसे हम लोकिया कहते हैं तो इस लोकिया का परीक्षण जो है वो पहले सप्ताह में करना बहुत ज़्यादा महत्व रखता है क्योंकि यदि योनिगत स्राव में कोई असामान्य स्थिति पैदा होती है जैसे कि यदि स्राव बहुत कम हो रहा है या जो लोकिया का स्राव है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है बदबूदार है तो उस स्थिति में चिकित्सक से परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है सामान्यतः जो फर्स्ट फस, फर्स्ट फोर डेज होते हैं जो शुरू के चार दिन रहते हैं उस दौरान यह लोकिया जो है वो गहरे लाल रंग का होता है उसके बाद ये हल्का सा गुलाबी रंग का हो जाता है और बाद के दस दिन में यह सफ़ेद रंग का रहता है यदि इसके कलर में जो है वो चेंजेस नहीं आ रही हैं या श्राप बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है रक्त श्राव बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है उसको बार बार पैड चेंज करना पड़ रहा है और उसके कारण उसको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है तो इसमें यह स्थिति हो सकती है कि हो हो सकता है कि प्रसव के दौरान जो है वो अपरा के कुछ अंश गर्भाशय में रह गए हों जिसमें संक्रमण फैल रहा हो और इसके कारण अति रक्तस्राव के कारण माता की मृत्यु भी हो सकती है तो ऐसी स्थिति में उसको चिकित्सक से परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है इसके अलावा प्रसव के पश्चात ही जो पेरिनियम का पार्ट है और जो उसके नितंब हैं उनको साबुन और गर्म पानी से जो है सफाई कर देनी चाहिए और सुखा करके फिर स्टराइल पैड यूज़ करना चाहिए प्रतिदिन जो है वो पेरिनियम को स्वच्छ रखना चाहिए और उसकी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीनिंग चाहिए और पैड जो है वो दिन में जो है हर पांच घंटे में पैड को बदलना चाहिए और स्टराइल पैड ही यूज करना चाहिए ताकि संक्रमण से बचा जा सके अब बात आती है व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में तो उसमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए इसके अलावा स्वच्छ अंतः वस्त्र पहनने चाहिए और कई बार प्रसवावस्था के पश्चात जो है स्त्री अत्यधिक जो है पीड़ा के कारण मूत्र त्याग करने में हिचकिचाहट करती है तो ऐसी स्थिति में जो है मूत्र वह संस्थान में संक्रमण होने का खतरा रहता है तो इसलिए स्त्री को बार बार प्रोत्साहित करें कि वो मूत्र त्याग करने के लिए जाए और मूत्र का जो है वो अवरोध ना करें इसके अलावा प्रतिदिन जो एपिजॉटमी का बूंड है उसके एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से सफाई करनी चाहिए और जितनी बार भी वो दिन में मूत्र त्याग करती है या मल त्याग करने के लिए जाती है तो उसके पश्चात भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से जो एपिजॉटमी का और पेरिनियम का जो एरिया है उसको अच्छे से क्लीन करना चाहिए और उसके बाद उसको सुखा करके जो है वो स्टराइल पैड यूज़ करना चाहिए फिर बात आती है प्रसूता के उचित खान पान की व्यवस्था के बारे में जैसे कि हम जानते हैं कि प्रसूता स्त्री को स्तनपान करवाना होता है तो स्तनपान काल में जो है उसको ज़्यादा कैलरीज की जो है ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो इसलिए उसका भोजन जो है वो संतुलित होना चाहिए पौष्टिक होना चाहिए उसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स वसा प्रोटीन और वाइटाम्स मिनरल्स जो है वो उपस्थित रहने चाहिए भोजन लघु और सुपाच्य होना चाहिए भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियों और फलों का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और पर्याप्त मात्रा में जो है वो तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए और दूध की मात्रा जो है वो ज़्यादा लेनी चाहिए उसमें एक दिन में कम से कम एक से डेढ़ लीटर जो है उसको दूध लेना चाहिए इसके अलावा एक्स्ट्रा कैलोरीज उसको सामान्य से अधिक मात्रा में आहार करना चाहिए और एक्स्ट्रा टाइमिंग्स जो है जो उसके मील की टाइमिंग है वो बढ़ा लेनी चाहिए और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा कैलोरी जैसे कि सामान्य जो महिला है उसको 2200 किलो कैलोरी प्रतिदिन अपने लिए चाहिए होती है लेकिन जो स्तनपान कराने वाली प्रसूता महिला है उसको छब्बीसों किलो कैलरी जो है वो प्रतिदिन चाहिए तो उसके लिए है कि जो भोजन की समय सारणी निश्चित की गई है वो उसमें टाइमिंग जो है वो तीन से बढ़ा करके छः सात बार जो है उसको दिन में भोजन करना चाहिए उसमें सुबह जो है साढ़े छः से सात बजे के बीच में वो मॉर्निंग में कुछ हल्के से स्नैक्स ले सकती है फिर जो उसके बाद जो है नाश्ता आठ से नौ के बीच में फिर उसके बाद मिड मॉर्निंग में जो है ग्यारह बजे कुछ स्नैक्स ले सकती है लंच एक से दो के बीच में लंच कर सकती है शाम को चार बजे से पाँच बजे के बीच में कुछ इवनिंग में स्नैक्स ले सकती है और रात को आठ से नौ बजे के बीच में डिनर और डिनर के बाद जो है फिर दस बजे रात में फिर दूध वगैरह ले सकती है अब एक दिन की नमूना भोजन सूची के बारे में बात करें तो जैसे कि सुबह वो छः बजे भीगे हुए बादाम दूध के साथ ले सकती है या फिर सौंफ का पानी ले सकती है वो एनर्जी ड्रिंक की तरह भी काम करेगा और साथ में साथ उससे दूध की मात्रा भी बढ़ेगी ब्रेकफास्ट में वो इडली सब्जी के साथ या अंडा साबुदाने की खिचड़ी सब्जी पराठा दही और एक गिलास दूध ले सकती है फिर मिड मॉर्निंग में ग्यारह बजे वो कोई फल जो भी सीजनल फ्रूट होगा उस टाइम पे वो ले सकती है या एक कटोरी अंकुरित चना या गाजर का जूस चुकंदर का जूस ले सकती है इसी तरह से लंच में दो तीन रोटी एक कटोरी चावल एक कटोरी सब्जी दो कटोरी दाल या अगर नॉनवेज लेती है तो चिकन ले सकती है या फिर दही या रायता जो उसको पसंद हो वो ले सकती है इसी तरह से इवनिंग में भी वो मेवे वाला दूध ले सकती है या कोई सीजनल जो उसको फ्रूट पसंद है वो ले सकती है डिनर में भी इसी तरह से दो तीन रोटी एक कटोरी चावल कोई भी हरी पत्तेदार सब्ज़ी या पनीर की सब्ज़ी दाल चिकन और ये सब चीज़ें जो है वो ले सकती है और डिनर के पश्चात रात को सोते समय फिर वो दूध का गिलास जो है वो ले सकती है दूध की मात्रा ज़्यादा लेनी है और कम से कम एक से डेढ़ लीटर दूध जो है वो दिन में लेना है फिर इसके बाद बात आती है योग और व्यायाम की सूतिका होने के पश्चात प्रसूता को जो है जितनी जल्दी वो अपने शरीर में स्वास्थ्य और स्फूर्ति अनुभव करती है तो उसे अपना जो शारीरिक जो दैनिक कार्य हैं वो शुरू कर देने चाहिए और इसके अलावा जो योग और व्यायाम की बात आती है तो छः सप्ताह के बाद जो है वो योग और व्यायाम जो है वो शुरू कर देना चाहिए उसमें भी जो योगासना रह, आसन रहते हैं उनमें से भी कौन कौन से आसन कर सकती हैं इस ऐसे आसन जो उसके पैल्विक फ्लोर की पेशियों को जो उसके उदर की पेशियों को और जो उसके पीठ की पेशियों को जो है वो मजबूत बनाते हों ऐसे आसन कर सकती है उसमें शवासन है उतान पादासन है पवन मुक्तासन है अर्ध हलासन है इसके अलावा पीठ के लिए भुजंग आसन है धनुरासन है तो ये सब आसन जो है वो कर सकती है इसमें धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाते हुए जैसे शुरू में वो पाँच बार एक आसन जो है वो पाँच बार करेगी धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाते हुए दस बार कर सकती है तो हर दस पन, दस से बीस मिनट के लिए वो ये सब आसन जो है वो कर सकती है इससे उसका जो शरीर का जो मसल्स हैं जो उनकी टोनिंग है वो भी उसको दोबारा से रिगेन हो जाएगी और इसके अलावा जो उसके ब्लड फ्लो है जो उसके लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं जो उसके पैरों में जो रक्त का संचरण है वो भी उससे अच्छा होगा और लोकिया के ड्रेनेज भी अच्छी होगी इसके अलावा जो है वो मानसिक जो है उसके स्वास्थ्य के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम या ओम की चेंटिंग भी कर सकती है क्योंकि सूतिकावस्था में ज़्यादातर जो है हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से बहुत ज़्यादा मानसिक अवसाद की स्थिति रहती है तो इसलिए प्राणायाम से जो है उसका मानसिक स्तर जो है वो संतुलित रहेगा फिर आती है बात प्रसव के पश्चात विश्राम की प्रसव के तुरंत पश्चात जो स्त्री होती है वो जो है वो दर्द के कारण या अत्यधिक रक्तस्राव के कारण जो है वो बहुत ज़्यादा थकी हुई रहती है तो स्टार्टिंग में उसको कोई गर्म पदार्थ जो है वो पीने के लिए दें और उसको विश्राम करने के लिए कहें पर्याप्त मात्रा में नींद लेने के लिए कहें और रात में वैसे आठ घंटे की पर्याप्त मात्रा में नींद ले दिन में वो दो घंटे की पर्याप्त नींद ले सकती है या अगर वो स्तनपान करवा बार बार स्तनपान करवाने के कारण उसकी नींद पूरी नहीं होती है तो जब भी बच्चा सोता है तो उसके साथ माँ भी शयन कर सकती है और अपनी नींद जो है वो पूरी कर सकती है फिर बात आती है यौन संबंधी निर्देश की तो जनरली जो है प्रसवावस्था के पश्चात छः सप्ताह तक यौन संबंध जो है वो नहीं बनाना चाहिए छः सप्ताह के पश्चात जब योनिगत जो स्त्राव है जो लोकिया का डिस्चार्ज है वो पूरी तरह से बंद हो जाए उसका जो पैरिनियम है वो कंफर्टेबल हो जितनी भी जो है वो क्षत हुए हैं प्रसव के दौरान जो लस्ट्रेशन हुई हैं वो जो वूंद बने हैं वो सब जो है वो जो हील हो जाए तो उसके पश्चात ही जो है उसको संबंध बनाना चाहिए इसके अलावा जो है प्रसव के पश्चात जो यौन संबंधों में बहुत सारी दिक्कत आती है जैसे कि वजाइनल ड्राइनेस वगैरह फील होती है तो उस स्थिति में हम स्त्री को ये बता सकते हैं कि वो लुब्रिकेंट्स यूज़ कर सकते हैं इसके पश्चात आती है परिवार नियोजन संबंधी सलाह प्रसव के पश्चात परिवार नियोजन का बहुत महत्व है इसके लिए महिला को उसके साथ साथ उसके परिवार को भी परिवार नियोजन के महत्व के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो बर्थ स्पेसिंग स्पेसिंग है अर्थात एक प्रसव से दूसरे प्रसव के बीच का जो अंतराल है वो कम से कम तीन साल का होना चाहिए तो इसके बारे में महिलाओं को बताना बहुत ज़रूरी है और ये भी बताना कि अगर इस बीच में जल्दी ही अगर वो दूसरा बार गर्भ धारण कर लेती है तो उससे जो है वो पहले वाला शिशु माता का खुद का स्वास्थ्य और जो गर्भ में पल रहा सबके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है तो इसलिए कम से कम तीन साल का जो है वो गैप रहना चाहिए दूसरी प्रेगनेंसी में और इसके साथ ही जो है हमें उन माता पिता के साथ ये भी डिस्कस करना चाहिए कि अगर उनका परिवार जो है वो कंप्लीट हो चुका है तो उनको कौन से जो है गर्भ निरोधक उपायों का प्रयोग करना चाहिए और यदि वो जो है वो टेम्प्ररी कोई गर्भ निरोधक को उपाय प्रयोग करना चाहते हैं तो कौन कौन से उपाय हैं जिनका वो प्रयोग कर सकते हैं जैसे कि प्रसव के पश्चात यदि स्तनपान नहीं कराने वाली महिलाएं हैं तो उनको तीन सप्ताह के पश्चात ही परिवार नियोजन संबंधी जो उपयोग गर्भ उपाय हैं उनका प्रयोग कर दे शुरू कर देना चाहिए जबकि स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को तीन माह के पश्चात तीन मास के पश्चात जो है वो गर्भ निरोधक उपायों का प्रयोग करना चाहिए उसमें भी ये है कि जो स्तनपान नहीं करवाने वाली महिलाएँ वो कंबाइंड जो हमारी गर्भ निरोधक गोलियाँ आती हैं वो ले सकती हैं इसके अलावा जो स्तनपान करवाने वाली महिलाएँ वो प्रोजेस्ट्रोन ओनली पिल जो मिनी पिल नाम से आती हैं वो वाली पिल जो है वो यूज़ कर सकती हैं इसके अलावा यदि वो चाहें तो वो बैरियर मैथड जैसे कॉन्डोम्स आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं और अगर किसी का परिवार जो है वो कंप्लीट हो चुका है तो वो परमानेंट स्टरलाइजेशन जो है वो जैसे कि लाइगेशन या जो है पुरुषों में जो है वैसकटमी है वो करवा सकते हैं इसके बाद बात आती है प्रसव के पश्चात अनुवर्तन की या फॉलोअप की कि हमें कितने कितने टाइम पे जो है वो चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए तो फर्स्ट जो विजिट रहता है हमारा वो प्रसव के 24 घंटे के अंदर ही हो जाना चाहिए तो इसके लिए जो संस्थानगत प्रसव है उसमें जो है वो फर्स्ट विजिट और सेकेंड विजिट जो हमारा थर्ड डे पर रहता है तीसरे दिन रहता है वो विजिट जो है वो संस्थान में ही हो जाते हैं इसलिए फोर्टी जो हार्स हैं वो कम्प्लीट होने के बाद ही संस्थान से जो है वो डिस्चार्ज उनको लेना चाहिए इसके पश्चात जो थर्ड विजिट है वो सातवें दिन सातवें दिन आकर के चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और अपना संपूर्ण जो है शारीरिक परीक्षण जो है वो करवाना चाहिए फोर्थ जो विजिट है वो प्रसव के छः सप्ताह के पश्चात चिकित्सक से लेना चाहिए इसके अलावा यदि बीच में कोई भी जो जोखिम या जटिलता का जो है उसको आ, कोई भी लक्षण लगता है तो उस दौरान वो किसी भी समय जो है वो चिकित्सक के पास जाकर के परामर्श ले सकते हैं अब बात आती है कि प्रसवोत्र जो अवधि है उसमें जोखिम के कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं कि जिनकी हमें तुरंत पहचान करनी है और चिकित्सक से संपर्क करना है तो सबसे पहले आता है वो है अत्यधिक रक्तस्राव यदि बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा है बदबूदार योनि से स्राव हो रहा है तो उस स्थिति में जो है वो तुरंत चिकित्सक से परामर्श करें मूत्र त्याग के दौरान अगर अत्यधिक पीड़ा हो रही है मूत्र त्याग के दौरान दहा हो रहा है या बूंद बूंद प्रवृत्ति हो रही है मूत्र त्याग सही से नहीं कर पा रही है तो उस स्थिति में भी संक्रमण के ज़्यादा खतरा है तो उसमें भी चिकित्सक से संपर्क करें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें और चिकित्सक से संपर्क लें इसके अलावा यदि पेरिनियम जो है वो कंफर्टेबल नहीं है बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है पूए की प्रवृत्ति पस डिस्चार्ज आ रहा है तो उस स्थिति में भी अगर दर्द है तो आप सिड्स बाद ले सकते हैं कि आप जो है वो गर्म पानी के पानी में थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं लेकिन यदि उससे भी जो है वो पीड़ा का निराकरण नहीं हो रहा है तो फिर आपको चिकित्सक से संपर्क करना है इसके अलावा यदि प्रसूता को बुखार आता है अवस्था में यदि 100 से ऊपर का बुखार आ रहा है शरीर में कम कम्बाट हो रही है तो यह संक्रमण की ओर इंगित करता है जो कि माता के लिए बहुत ही जो है वो खतरे वाली बात हो सकती है तो उस स्थिति में भी चिकित्सक से संपर्क करें इसके अलावा यदि सांस लेने में तकलीफ हो रही है खांसी हो रही है छाती में दर्द हो रही है पैरों में जो है वो अडीमा हो रहा है शोथ हो रहा है स्वेलिंग हो रही है जंगह में अत्यधिक पीड़ा हो रही है जांग जो है वो नीली पड़ रही है तो उस स्थिति में भी तुरंत चिकित्सक से परामर्श करें इसके अलावा उच्च रक्तचाप है दौरे पड़ रहे हैं और बहुत तेज़ सिर दर्द हो रहा हो चक्कर आ रहा हो शरीर में पीलापन हो गया हो स्तनों में भारीपन हो बहुत ज़्यादा पीड़ा हो चुच्चुक में शोध हो गया हो तो उस स्थिति में भी जो है वो तुरंत चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए अब ये सारा तो था पोस्ट नेटल केयर कि जो प्रसव के पश्चात जो है वो देखभाल में हमें किन किन बातों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए अब इसमें आती है बात कि आप लोगों की क्या भूमिका है जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उन लोगों की इस देखभाल में क्या भूमिका है तो सबसे पहली बात है कि आपका काम है माता और उसके परिवार को संपूर्ण पोषणयुक्त संतुलित आहार के बारे में अवगत करवाना जो मैंने पहले बताया कि उसको किस तरह का आहार लेना चाहिए कितनी बार लेना चाहिए वो सब के बारे में उसको भी माता को भी और उसके परिवार को भी अवगत करवाना दूसरा है माता और नवजात शिशु को अपनी शारीरिक स्वच्छता के बारे में जागरूक करना कि माता को नवजात शिशु की कैसे स्वच्छता रखनी है नाभि नाभिनाल को कैसे स्वच्छ रखना है और अपनी जो व्यक्तिगत शारीरिक स्वच्छता है वो पेरिनियम की स्वच्छता है स्तनों की स्वच्छता है वो कैसे मेंटेन करके रखनी है ताकि संक्रमण ना फैले उसके बारे में जागरूक करना तीसरा है माता और परिवार को प्रसवोत्र अवस्था में होने वाले जोखिम और जटिलता के लक्षणों से अवगत करवाना जितने भी जोखिम और जटिलता के लक्षण बताए हैं ये सब आपको माता और उसके परिवार के साथ डिस्कस करने चाहिए उनको बताने चाहिए कि इस तरह का यदि कोई भी लक्षण जो है वो आपको मिलता है तो तुरंत जो है वो चिकित्सक से संपर्क करें इसके अलावा माता एवं परिवार को प्रसवोत्र चिकित्सक के परामर्श के लिए प्रोत्साहित करना प्रसव चिकित्सक का जो परामर्श है प्रसव के पश्चात वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है इसलिए उनको बार बार इसके लिए जागरूक करना माता और परिवार को स्तनपान के महत्व के बारे में बताना कि जो स्तनपान है वो बच्चे के लिए अमृत के समान है उसका वो संपूर्ण पोषण करेगा इसके अलावा उसकी रोकथाम से बचाएगा और इसके साथ साथ ही माता के जो गर्भाशय है उसके प्रत्यावर्तन में भी सहायता करेगा इसलिए स्तनपान का महत्व उनको समझाना परिवार नियोजन के महत्व के बारे में बताना और जो गर्भ निरोधक विधियाँ हैं जो मैंने पहले बताई हैं उनका उनको सुझाव देना जिस तरह का भी माता पिता जो हैं वो गर्भ निरोधक विधियों का प्रयोग करना चाहते हैं उनको उसका सुझाव देना इसके अलावा शिशु के टीकाकरण के बारे में और जन्म के पंजीकरण करवाने की उनको सलाह देना जो है वो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट है इस तरह से हमने आपको माता और परि उसके परिवार को जो आपको सब निर्देश देने हैं उन सब के बारे में बता दिया है और प्रसवोत्तर पश्चात क्या क्या जो है वो देखभाल करने की ज़रूरी है और उसके शारीरिक परीक्षण के लिए क्या क्या ज़रूरी है वो सब आपको बता दिया गया है तो अब आप ये सब लक्षणों का जो है वो भलीभांति जो है वो परीक्षा करके माता और शिशु के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं धन्यवाद